हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपको पता ही है, हम लोगों ने एक सीरीज़ चला रखी है PSPCL की। पहले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको तैयारी करवाई, अब PSPCL के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट का पेपर चल भी रहा है और हम लोग एनालाइज करके आपके लिए उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं, ठीक है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से करवा भी रखी हैं। आज का जो मेरा कुछ एम है वो ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही करवाऊँ, क्योंकि आज देखो बच्चे, मैं पूरा नहीं आपको टॉपिक वाइज नहीं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब आपका पेपर चल रहा है, अब आपका एग्ज़ाम चल रहा है, 23 से एग्ज़ाम यहाँ पे चलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करवाऊँ जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक का पेपर हमने एनालाइज किया उसके ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश यहाँ पे ये रहेगी कि आपको हर बारी कुछ ऐसी चीज कराऊं जो हर बारी एग्जाम का पार्ट बनती है। तो मैं हर बारी क्वेश्चन को यहाँ पे नए तरीके से, नए क्वेश्चन जो पूछे जाने के चांसेस हैं या जो पूछे जा रहे हैं उनको आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख के कन्फर्म करें ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट करवा सकूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है आज भी कुछ एक स्टूडेंट का पेपर होगा, क्योंकि पेपर जो है कंटिन्यूटी में चल रहा है। पर जितने भी जुड़ चुके हैं, और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी जो पेपर देके आ रहे हैं, तो मेरे को ये बताते हुए चलें कि पेपर आपका कैसा रहा और पेपर में क्या क्या चीज़ें आई, ताकि हम उनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ पे ला पाएँ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को वही अब हार्डवर्क की बजाय यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मेरा एक एम रहेगा कि आपको हार्डवर्क के साथ यहाँ पे स्मार्ट वर्क ही सिखा दूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, काफ़ी स्टूडेंट, हेलो सर, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है जी, प्रेजेंट सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूँ तो अब मैं आज 18 स्टूडेंट हैं, अभी इतने से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज भी काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम है, क्योंकि सुबह भी एग्ज़ाम हो रहा है, शाम भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो हम विदाउट एनी वेस्टिंग आर टाइम हम लोग यहाँ पे अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सर आप बहुत अच्छा कंप्यूटर करवाते हो, हनी जो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो इसी तरीके से रीजनिंग में भी आप जुड़े रहें और हमें यहाँ पे बताते रहें। चलिए, तो जरा नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी, हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आंसर करते हुए चलिए, ताकि मैं यहाँ पे आपको उनके लॉजिक भी बताता हुआ चलूँ। क्योंकि अभी हमें देखो बेटा हार्डवर्क करना है। अगर मैं बात बताऊँ कोडिंग डिकोडिंग के, आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही है। मैं सही बात बताऊं तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेके आपके साथ आया हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके आया हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चा हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो आता है मेरे को वही करवाना है। क्योंकि लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में हमारे पास जितना हो सकता है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बच्चे, तो 28 स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं। तो 28 से मेरी छोटी सी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करें। बिल्कुल जी, कुछ एक स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। निशान सिंह का ए ऑप्शन आंसर आया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा और ताकि यहाँ पे आपको आंसर भी समझा सकूँ। सर ए जी ए ए, चलिए चलिए चलिए, 23 का देखते हैं जरा, 23 2 का 3, ओके 2 का 3 होगा वो। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास जो यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है वो क्या लगाया गया है? एक वर्ड था EXAMPLE और इसका कोड कुछ ये लिखा गया है FWVLQKF। देखो अगर मैं बेटा यहाँ पे आपको लॉजिक बता दूं तो मेरे को लगता है आप लोग क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे। मेरा जो एम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लॉजिक बताना रहेगा, बाकी आंसर आप लोग खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो सबसे पहले हमने आपको सिखाया है कि अल्फाबेट के पोजीशन लर्न करने होते हैं, पर अभी वो उतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉजिक समझाता हूँ। ई से एफ के ऊपर गए क्या हुआ, प्लस ऑफ 1। एक्स से डब्ल्यू के ऊपर आए, मतलब 24 से आप 23 के ऊपर आए तो माइनस ऑफ 1। फिर से ए से बी के ऊपर गए प्लस ऑफ 1। फिर आगे 13 से 12 के ऊपर आए माइनस ऑफ 1। तो देखो बेटे मैंने एक चीज समझ ली, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 की सीरीज मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है। मैंने यहाँ पे सीरीज ढूंढ ली, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 की सीरीज यहाँ पे आंसर आ गई। तो बिल्कुल जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब आपके पास ये जो वर्ड था डिवीजन, इसका कोड निकालना था DIVISION। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको पहले प्लस 1 करना पड़ना था, फिर माइनस 1 करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, अगर इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। बच्चा देखो अभी मैं आपको आंसर नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें ऑलरेडी सिखा रखी हैं।
मेरा एम है कि आंसर आपको सिर्फ बता पाऊं कि लॉजिक कैसा चला, ठीक है। तो होप सो जिनका भी आंसर बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, और जिनका नहीं आया वो इस मेथड से इस चीज को निकाल लेंगे। अगर नहीं आपसे निकलता आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर आप पूरा सॉल्व करके बता दो, मैं करके दिखा दूंगा। पर मेरे को लगता है कि आपको ये पता होगा सर, एलडीसी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का लेवल क्या है? बेटा कोडिंग डिकोडिंग का लेवल जो ये करवाया जा रहा है बिल्कुल इतना ही आ रहा है, इससे टफ नहीं आ रहा। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग से ही हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से ही हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पे लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, देखो क्या है, पेन इज कोल्ड बुक एंड बुक इज कोल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कोल्ड नोटबुक एंड नोटबुक इज कोल्ड इरेजर, वेयर विल बी द स्टूडेंट राइट। अब सबसे पहले इज और कोल्ड की टाइप चल रही है, जो टाइप चल रही है वो है इज और कोल्ड की। तो मैंने इसमें आपको बताया कि जब भी इज और कोल्ड की टाइप चल रही है तो नेक्स्ट पोजीशन आपका आंसर बनती है। तो नेक्स्ट पोजीशन में पूछा क्या है कि स्टूडेंट लिखता कहाँ पे है, स्टूडेंट किस जगह पे लिखता है, नोटबुक पे। तो यहाँ नोटबुक इज कोल्ड क्या बोला गया है, इरेजर। तो आपका आंसर होप सो सभी का क्लियर हो गया होगा कि बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नहीं नहीं बेटा, इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, इज और कोल्ड जहां पे भी आए तो नेक्स्ट पोजीशन आप लोगों को आंसर करना है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर मींस का केस आता है तो प्रीवियस पोजीशन हम लोग आंसर करते हैं। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर बताएं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर मैं बात करूं तो आपका जो पेपर आ रहा है ना वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, कोडिंग और डिकोडिंग के आपके पास 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, सीरीज के 1-2 क्वेश्चन आपके पास जो पीएस स्पेशल में देखे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। कुछ एक याद से जो स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे जो स्टूडेंट का आंसर आ रहा है थर्ड का 23 बिल्कुल सही है, सीरीज थी 2, 9, 16, अगला नंबर फाइंड आउट करना है और 30। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया था वो ये था, यहाँ से यहाँ गए हैं तो +7, पर यहाँ से यहाँ फिर से +7, नेक्स्ट फिर से +7 करेंगे तो 23 आपका आंसर आएगा, +7 करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। मैं बता दूं सेम इसी टाइप के इजी लेवल आपके पास रीजनिंग में अभी तक देखा जा रहा है, पर मैं छोटे सी बात बता दूं, हर बारी इजी आएगा ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है कहीं पे टफ भी आए। तो बचे आप लोगों को अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर ने इजी कहा तो हर बारी इजी आएगा, हो सकता है पेपर थोड़ा टफ भी आ जाए, दैट डिपेंड। पर अभी तक का जो पेपर हमने एनालाइज किया उसे एनालाइज करके ये समझ में आया कि पेपर का लेवल इजी था, पेपर का लेवल इजी था, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। सो आंसर इज बी ऑप्शन 23। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और आंसर आप लोग मेरे को बताइए कि नेक्स्ट का आंसर क्या रहेगा। हाँ जी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। सर प्लीज बता दो कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटा पूरा ही रीजनिंग आ रहा है, सिलोजिज्म भी आ रहा है, वेन डायग्राम भी आ रहा है, कैलेंडर भी आ रहा है, क्लॉक भी आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग भी आ रहा है, ब्लड रिलेशन भी आ रहा है। मैंने कल एक आपको एनालिसिस करके बताया था, अगर आपको वो जानना तो एनालिसिस मेरा चेक करिए, एनालिसिस में मैंने पूरे के पूरे चैप्टर वाइज आपको बता रखे हैं, ठीक है। एनालिसिस का वीडियो चेक करिए आप, मोहित कालरा जी आप एनालिसिस में चेक करिए, मैंने एक एक चीज डिटेल में बता रखी है उसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं फोर्थ का। चलिए देखते हैं सीरीज क्या थी, 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 16, 5 और अगले दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्या था यहाँ पे ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, 1+1, 2, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 and 5+ यहाँ पे आएगा फिर 5+1, 6 है ना, ऑल्टरनेट में चल रहा है तो 5+1 आएगा 6, ऑल्टरनेट में आपके पास यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो देन आगे देखते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है ऑल्टरनेट चल रहा है, देन यहाँ से यहाँ गए हैं तो मल्टीप्लाई 2, यहाँ से यहाँ गए हैं मल्टीप्लाई 2, यहाँ से यहाँ गए हैं मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ आएगा 32। तो 32, 6 आपका आंसर बनेगा जो कि है आपके पास डी ऑप्शन, ठीक है। ऑल्टरनेट सीरीज आपके पास यहाँ पे चल रही थी, सो आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ना कि बेटा लिखना भी आना चाहिए। देखो कैसे ऑल्टरनेट पे आपके पास फर्स्ट का थर्ड इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाए गए हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर करके बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है डी ऑप्शन 5th का, बैगर सिंह जी का आंसर आ गया है।
चलिए नेक्स्ट का आंसर, थर्ड फिफ्थ का आंसर बाकी स्टूडेंट भी करें, क्या रहेगा? बिल्कुल जी, तो यहां पे जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके का है, सीरीज आपके पास डी ए सी और बी है ना, तो यहां पे लिखा है ओ एल एन एंड एम। अगर मैं बात करूं यहां पे जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक आपको समझा देता हूं। बिल्कुल जी, लॉजिक आपको समझ में आ चुका है, लॉजिक अगर समझ में आ जाए तो मैं समझता हूं आंसर निकालना बड़ा ज्यादा इजी होगा। डी से डी की वैल्यू कितनी होती है 4 और ओ की वैल्यू होती है 15, तो इन दोनों के बीच का अगर मैं गैप की बात करूं प्लस ऑफ 11। सिमिलरली ए की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू एल की 12, तो इन दोनों के बीच में गैप प्लस ऑफ 11। 3 एंड आपके पास 14, तो 11 का गैप है, ठीक है, तो देन आगे भी आपके पास 11 का गैप है। देखो अगर गैप समझ में आता है तो दैट मींस आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, ये फिर मेरे को सॉल्व नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ चुका है कि लॉजिक किस तरीके से लगाया जा रहा है। पेपर का टाइम है इसलिए मैं कट टू शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि जो जो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, तो इसका आंसर फिर बनेगा डी ऑप्शन, है ना, इसका आंसर बनेगा फिर डी ऑप्शन, क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा मार्क्स लेके आने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ के आंसर बताइए, सिक्स का आंसर क्या रहेगा? सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज वर्ड इन गिवन डस, ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल जी, आप आंसर यहां पे बताएं, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या रहेगा? ठीक है, सिक्स का आंसर मैं देख रहा हूं, देखो सिक्स का आंसर आपके पास बेटा रहेगा, चलिए बताएं जल्दी से, मैं आंसर चेक कर रहा हूं। मोहित कालरा जी सी सी लिख रहे हैं, मोहित कालरा जी सिक्स का आंसर, अगर मैं बताऊं बिल्कुल जी मनी सिंह का आंसर ए ऑप्शन आया है जो कि बिल्कुल सही आंसर आया है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन एलिमिनेंट, ठीक है, एलिमेंट आपके पास, अगर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं आपके पास यहां पे, तो स्केयर की अगर मैं बात करूं तो उसका मीनिंग क्या होता है? डेफिशिएंट, ठीक है। आप लोग यहां पे सिनोनिम अगर मैं बात बता दूं आपको, यहां पे क्या पढ़ना पड़ेगा? सिनोनिम पढ़ना पड़ेगा, एंटीनम आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को अगर आते हैं तभी आप लोग यहां पे कर पाएंगे। सिनोनिम और एंटीनम से भी यहां पे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। सर रीजनिंग की कोई भी क्लास करवा दो, बेटा रीजनिंग की हमने पूरी एक चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी थी आपको, काजल जी मैं आपको बता रहा हूँ, काजल जी आपको पूरा का पूरा रीजनिंग हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रखा है, आपको सिर्फ इंटरनेट के ऊपर चेक करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज भी हमने यहाँ पे टॉपिक आपको करवा रखे हैं पीएसपीसीएल के लिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एलिमेंट, कुमार विशाल जी मैं से पूछ रहे हैं बेटा कुछ चीज आपको खुद भी सर्च करनी है, मैं तो बता ही दूंगा, पर मैं चाहता हूं अगर इंटरनेट पे आप सर्च करें तो उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आप एक चीज नहीं उसके अलावा 10 चीजें और भी सीखेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए हम थोड़ा सा आपके लिए काम छोड़ रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन तो हम ही करवा दें, ठीक है, पर थोड़ा सा इसलिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? देखो ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का ही होता है, एक अलग टाइप है जो कि आपके पास पूछी जाती है। 7th का आंसर बताइएगा, 7th का आंसर हरदीप सिंह सैनी का आंसर बिल्कुल सही आया है अभी तक, डी। मिशा का आंसर भी बिल्कुल सही है डी, ठीक है जल्दी। गुरप्रीत गोरी ठीक, गुरमन जो बिल्कुल जी, आप सभी के आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। जिन जिन स्टूडेंट का डी डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अगर मैं बात करूं, एक एड्रेस आपके पास दिया रखा है, पंडित रमाकांत देसाई प्लॉट नंबर 1032 स्वागत हाल लेन तेली गली अंधेरी ईस्ट मुंबई। अब सेम एड्रेस आपको यहाँ पे चेक करना होता है, पर ये जो टाइप थी ये 2008 और 2009 में देखी गई ये ज्यादा, और इस बारी भी इसके चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस की मैं बात करूंगा, श्योरिटी में नहीं लेता, चांसेस की बात है, अगर आ गया तो आपको पता हो जाएगा। देखो अब जो एड्रेस यहां से यहां लिखा गया सेम हमें यहां पे भी चेक करना है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर मैं यहां से यहां पे बात आऊं तो यहां प्लॉट नंबर की मैं बात करता हूं, यहां
फ्लोट एस ओ लिखा जो कि यहाँ पे एड्रेस मैच नहीं कर रहा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं, यहाँ पे 1032 है, आपके पास फ्लोट नंबर था, यहाँ पे 1832 है, तो ये भी आपके पास गलत हो गया क्योंकि ये आपके पास है ही नहीं। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं पंडित, बिल्कुल जी पंडित रमाकांत, रमाकांत देसाई के स्पेलिंग चेक करिए, यहाँ पे सिंगल एस है, यहाँ पे डबल एस है, तो ये यहाँ से भी गलत हो गया। लास्ट डी ऑप्शन ही अब आपके पास एक ऐसा आंसर बनेगा जो कि इसका आंसर दिया जाएगा, जो कि काफी स्टूडेंट का मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सही है। सर ये पीएसएल पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है बेटा, ये प्रीवियस ईयर में था उसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया है, और अभी भी आने के पूरे चांसेस हैं, कुछ एक जो हुए उनमें नहीं आया और आ भी सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन टी में स्पेस, अच्छा चलिए जी, वेरी गुड, आप लोग भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप लोग भी आंसर बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हरमनदीप जी बिल्कुल आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है। चलिए चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं, 8 का आंसर क्या रहेगा। अगर मैं बात करूं क्रोकरी बिल्कुल सही आया है, मेटल वेपन, वेपन जो है मेटल से बनते हैं, अगर प्रोक्लेम की बात करूं तो इससे क्या बनती है आपके पास, क्रोकरी यहां पे बनती है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग करिए, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से आप लोग आंसर करें, बचे हैं, अगर सेशन अच्छा लगता है तो जो स्टूडेंट और भी अभी आपके फ्रेंड हैं जिनका एग्जाम होना है उनके साथ इस लिंक को शेयर करें, उनके साथ इस लिंक को शेयर करो, ताकि वो स्टूडेंट जो अभी जिनका एग्जाम 4 तारीख का है, 2 तारीख का है, 3 तारीख का है, वो भी इस सेशन का फायदा उठा पाए, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके लिंक को शेयर करें। बिल्कुल जी यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सही ए ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको एक बार लॉजिक बता देता हूँ, ए वाई सी डब्ल्यू, तो यहाँ पे जेड बी एक्स डी है ना, यहाँ पे देखिए लेटर का अपोजिट सन 126 27, आपके पास 25 2 अपोजिट सम 27 के बराबर बना, 324 अपोजिट सम 27 के बराबर, तो यहाँ पे भी आपके पास 23 और यहाँ पे 4 तो 27। बिल्कुल जी अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि अपोजिट लेटर यहाँ पे चल रहे हैं तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, फिर ए ऑप्शन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं, अपोजिट भी बिल्कुल सही आप सभी ने यहाँ पे लिखा है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से आप लोग पढ़ के बताएं, 10 का आंसर, हाँ जी 10 का आंसर मैं आपका यहां पे लुक आफ्टर कर रहा हूं बेटा, आप लोग पढ़ के बताएं क्या आएगा, ठीक है। सर ऐसी क्वेश्चन कहां प्रैक्टिस के, मोहित कालरा जी हमारे साथ प्रैक्टिस करिए ना आप, मोहित कालरा जी आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, हमारे काफी पीछे सेशन हुए हैं जिसमें मैं सेम टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, पूनम राम स्वरूप का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 5 फ्रेंड्स रानी अर्चना पूनम चंचल एंड मनीषा आर सिटिंग अराउंड इन अ सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरी इनटू द सेम ऑर्डर, रानी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द अर्चना बट नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू द पूनम, अर्चना इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू द चंचल, मनीषा इज सिटिंग टू द रानी इज इमीडिएट राइट, पूनम इज सिटिंग अर्चना इज इमीडिएट लेफ्ट, चंचल सिटिंग बिटवीन पूनम एंड मनीषा हु इज सिटिंग बिटवीन अर्चना। देखो मैं सिंपल सी बात बता दूं, जब आपको ये नहीं पता कि वो फेसिंग इनसाइड है या आउटसाइड, तो आप सिंपल मान के चलिए कि इन सभी की फेसिंग क्या होगी, इनसाइड, इन सभी की फेसिंग क्या होगी, इनसाइड। 5 बंदे थे, 5 बंदे हम लोगों ने यहाँ पे बिठा लिए। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, रानी इज सिटिंग नेक्स्ट टू अर्चना की, अर्चना के नेक्स्ट में, ठीक है, तो अर्चना के नेक्स्ट में रानी है, आप यहां पे भी रानी को बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप लोग वैसे कर सकते हैं, बट नॉट नेक्स्ट सिटिंग टू पूनम, बट पूनम के नेक्स्ट सिटिंग में नहीं, मतलब यहां पर पूनम नहीं आएगी, ये उसने बता दिया, ठीक है, पूनम यहां पे नहीं आनी है। देन आगे आपके पास क्या, अर्चना इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू चंचल, कि चंचल, अर्चना इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू चंचल, चंचल के नेक्स्ट सिटिंग पे अंचल नहीं है, मतलब यहां पे चंचल नहीं आएगी,
ये उसने हमें यहाँ पे बता दिया, ठीक है। या तो चंचल यहाँ पे आएगी या तो चंचल यहाँ पे आएगी, दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं। मनीषा इज सिटिंग टू द रानीज इमीडिएट राइट, तो रानी के इमीडिएट राइट में मनीषा है, ठीक है। तो चंचल यहां पे तो आनी नहीं थी, यहां पे जगह थी वो वहां पे मनीषा बैठ गई, तो चंचल आपके पास यहां पे आ गई। अब एक ही आपके पास पर्सन बचा है, दैट इज पूनम, तो पूनम यहां बिठा दो, ठीक है। लास्ट में पूछा क्या गया था आपके पास, हु इज सिटिंग बिटवीन चंचल एंड आपके पास अर्चना, कि चंचल और अर्चना के बीच में कौन सी आपके पास फीमेल बैठी है, दैट इज पूनम। सो आंसर इज पूनम, जो कि बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखे जा रहे हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से करें आप लोग। हाँ जी, मैं आपको बता दूं बच्चे, आपके पास नंबर सीरीज जो आ रहा है वो मैंने पूरा आपको नेट के ऊपर डाल रखा है। आपके पास डायरेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे डाल रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है वो भी हमने पूरा डाल रखा है। हर एक टॉपिक आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, हमने कंप्लीट टॉपिक आपको पहले ही बना के इंटरनेट के ऊपर डाल दिए थे, ठीक है। क्यूब आ रहा है, डाइस आ रहा है, कैलेंडर आ रहा है, उनके भी वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से, नारायण बिल्कुल जी, गुरमान ज्योत का आंसर बिल्कुल सही है। बेटा आप बिटवीन की बात करते हैं तो यहां से नहीं, इनके दोनों, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, तो बिल्कुल यहां से भी आ सकता है, पर हमें शॉर्टेस्ट देखना होता है, तो आप लोग इस वजह से पूनम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। गुरप्रीत कौर जी, मेरे को लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है। बिल्कुल जी, चलिए 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 बिल्कुल। नारायण यहाँ पे आंसर आ रहा है, क्या बोला है, वासु स्कोर 52 मार्क्स इन 100 मार्क, मतलब 100 नंबर का पेपर था जिसमें से कि आपके पास वासु के मार्क्स कितने हैं, 52। वासु के मार्क्स उसने बता दिए हैं 52 आपके पास आए हैं। रमन स्कोर 7 मार्क्स मोर देन वासु, के रमन के ज्यादा हैं, ठीक है। 52 में 7 ऐड कर दीजिए 59, ठीक है, बट 9 मार्क्स लेस देन श्याम, ठीक है, बट श्याम से कितने मार्क्स कम है आपके पास, उसने कहा है 9। अगर 9 मार्क्स में इसमें ऐड कर दूं तो देखो आपके पास कितना बन जाएगा, 68, है ना, आपके पास यहां में बन गया। देन आगे क्या है, योगेश स्कोर 5 मार्क्स लेस देन नारायण, मतलब नारायण से कितने आपके पास, योगेश के 5 नंबर कम है, इतना आपको पता है कि अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगी। बट आगे क्या है, नारायण योगेश स्कोर 5 मार्क्स लेस देन नारायण एंड 6 मार्क्स मोर देन श्याम, तो इसका मतलब हुआ कि नारायण ऊपर आ जाएगा और योगेश यहां आ जाएगा। तो देखो इतनी बात समझो कि श्याम से नारायण के कितने मार्क्स ज्यादा थे, 6 नंबर ज्यादा थे, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 74, और इसके कितने मार्क्स कम थे आपके पास, 5 मार्क्स कम थे नारायण से, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 69, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट आप लोगों ने बना ली, क्वेश्चन में पूछा क्या था कि बिल्कुल जी आंसर सभी के सही हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पे पूछा क्या गया था आपके पास, हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट मार्क की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा आपके पास नारायण, ठीक है, वो आपके पास रहेगा नारायण। चलिए बिल्कुल जी आंसर आप सभी के सही आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा जल्दी से देखते हैं, इस क्वेश्चन में आप लोग आंसर बताइए कि क्या रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 कोडिंग आपके पास ब्लड रिलेशन से लिया गया है। चलिए जी आंसर आपके सभी के सही आ रहे हैं यहां पे। हाँ जी, मैं आंसर चेक भी कर पा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल जी मोहित कालरा जी, आपके लिए जरूर पंजाब पटवारी के लिए भी करेंगे। वीडियो पाउज हो रहा है बेटा, मेरे एंड से तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे एंड से ना तो रेंडरिंग की कोई समस्या है ना किसी चीज की, हमारे एंड से इंटरनेट तो यहाँ पे ठीक चल रहा है। बाकी स्टूडेंट भी एक बार कंफर्म करें क्या इंटरनेट की समस्या आ रही है हमारे एंड से, हमारे एंड से मेरे को तो नहीं लगता कोई समस्या है। अच्छा, हो सकता है बेटा गलती से लिखा गया हो मेरे से, कोई बात नहीं,
गुरमान जो जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, हो सकता है कई बार लिखा जाता है, तो कोई बात नहीं, आपको वो पता चल चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, 12 का आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल जी। सबसे पहले अनीता इज टोलर देन बकुल्ला, ठीक है, बकुला। देन आगे आपके पास क्या बोला गया है, ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं आपके पास क्या है, सुनैना इज शॉर्टर देन नैना, ठीक है, सुनैना की अगर मैं बात करूं इज शॉर्टर देन नैना, ठीक है, यहां तक आपको होप्स हो, सभी को क्लियर होगा। देन आगे क्या है आपके पास, बकुला इज टॉलर देन तारा, कि बकुला जो है वो किससे बड़ा है, तारा से। देन आगे क्या है, नाइना इज शॉर्टर देन तारा, तो मेरे पास एक अरेंजमेंट आ गई ना कि अनीता, बकुला, तारा, और तारा से छोटा कौन है आपके पास, नाइना, नाइना से छोटा आपके पास कौन है, सुनैना, ठीक है, बिल्कुल जी। आपने आंसर यहां पे बना लिया है, हु इज द शॉर्टेस्ट इन द गिवन फ्रेंड, तो सबसे छोटी फ्रेंड कौन सी थी आपके पास, सुनैना, तो आंसर बिल्कुल सही है, सुनैना सभी का। बेटा मेरे एंड से यहाँ पे रेंडरिंग की कोई नहीं है, ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जी। कुछ एक स्टूडेंट का, मोहित कालरा का नेक्स्ट क्वेश्चन का भी 13 का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर मेरे को लग रहा है, बी ऑप्शन स्पाउस, बिल्कुल सही आंसर है मोहित कालरा जी आपका। राहुल अतरी का भी आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन के मैं आपको करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है, बालकनाथ हैज 3 चिल्ड्रन एंड 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, बालकनाथ की यहां बात करी गई है, बालकनाथ की बात करी गई है, उसके पास क्या है, 3 चिल्ड्रन है और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है। आदिनाथ इज एल्डेस्ट सन, आदिनाथ, आदिनाथ उसका एल्डर सन है, एंड पीयूष इज हिज यंगेस्ट सन, पीयूष जो है इसका यंगेस्ट सन है, ठीक है, अगर पीयूष की मैं बात करूं, बालकनाथ का यंगेस्ट सन है, ठीक है। देन आगे आपके पास क्या बोला गया, बालकनाथ इज एल्डेस्ट ग्रैंड सन इज सागर, ठीक है, बालकनाथ का एल्डेस्ट सन जो है वो है सागर, इसका बेटा भी हो सकता है, इसका बेटा भी हो सकता है। हूज मदर इज राधा इज यंगर देन पीयूष, उसकी मदर कौन है आपके पास, राधा, अगर राधा है, ठीक है, और वो तो फिर इसी का बेटा होगा, इसका इससे वो क्या है आपके पास, यंगर है, इससे आपके पास पीयूष से क्या है, यंगर है, तो यहां पे सागर आ जाएगा, ठीक है, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और सागर उसका क्या था, ग्रैंड सन यहां पे गिवन किया गया था। देन आगे आपके पास देखो, अंगा इज आदिनाथ सिस्टर्स डॉटर, ठीक है, अंगा की बात करी गई है, अंगा क्या है, आदिनाथ के सिस्टर की डॉटर है, तो इसकी कोई ना कोई सिस्टर तो होगी, अभी हमें नहीं पता उसकी डॉटर कौन है, अंगा, ठीक है, यहां पे यह हमें पता चल गया कि अंगा इज आदिनाथ सिस्टर डॉटर, अंगाज ब्रदर इज चेतन, इसका ब्रदर जो वो है वो कौन है, चेतन, ठीक है, इसका ब्रदर जो है वो कौन है आपके पास, चेतन। इज यंगर देन हिज मदर मेघा, और वो अपनी मदर से यंगर है, उसको मदर आ कौन आ गई, मेघा, तो यहां पे आपने इसकी मदर भी निकाल ली, मेघा, यहां तक आपने उन्होंने निकाल लिया, बिल्कुल जी, ठीक है। घरवाली लग दी, ओके जी, ओके, मैं समझ गया था, ठीक है ना, ठीक है। आगे क्या लिखा है आप लोगों ने, यहाँ पे मेघा इज 25 ईयर ओल्डर देन सागर, इज यंगर देन हिज फादर आदिनाथ By 30 year, how is Radha related to Adinath? देखो यहाँ पे ना काफी पैरामीटर गिवन किए गए थे एजेस के, पर वो हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा मेरे को उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करना है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हाउ इज राधा रिलेटेड टू आदिनाथ, राधा जो है आदिनाथ की क्या लगती है, बिल्कुल जी आपके पास यहाँ पे पता है वाइफ लगती है, तो वाइफ को स्पाउस भी बोला जाता है, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बिल्कुल जी वाइफ को स्पाउस भी बोला जाता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। गुरमान जो जी बोल रहे हैं जी घरवाली लग दी, हाँ जी बिल्कुल घरवाली लग दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइएगा, हाँ जी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। जी सर, राहुल अत्री जी, मैं समझ गया,
विवेक यादव जी हंस रहे हैं, चली चली जल्दी से। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग जल्दी से क्लास में आंसर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। बेटा अगर अच्छा लगता है तो बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर करिएगा, तभी बाकी स्टूडेंट इस सेशन का भी फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे लिए जो एम है वो ये है कि आपके लिए कम टाइम में जब बढ़िया तैयारी करवाई जा सके, उसके रिगार्डिंग ही मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। जी सिस्टर इन लो, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। सेड द गर्ल इज द इन द पिक्चर, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं, सेड से स्टार्ट हुआ है, गर्ल शायद यहाँ पे आना था। यहाँ पे स्टार्टिंग में द गर्ल इन द पिक्चर इज माई फादर्स ओनली डॉटर। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। 14 का आंसर डी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे गर्ल आएगा, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा गर्ल सेड, ठीक है। यहाँ पे आएगा गर्ल सेड, द गर्ल इन द पिक्चर, ठीक है, द गर्ल इन द पिक्चर इज माई फादर्स ओनली डॉटर, ठीक है। फोर्टीन क्वेश्चन स्टार्टिंग क्या है गर्ल। 14 में आई थिंक कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई। बेटा अभी आप 14 को छोड़ दीजिए, आप 15 को कर लीजिए, इस चीज को छोड़ दीजिए। कोई टाइपिंग मिस्टेक है इस वजह से इसे छोड़ दीजिए, बाद में इसे कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे कल करवा दूंगा सर, ठीक है। सर भाभी आएगा, कोई बात नहीं बेटा, बाद में चेक कर लेंगे इसे, अभी आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जिनका आ गया है उनका ठीक है, बाकियों के लिए बाद में इसे चेक करवा दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। भाभी का सेड, ओके कोई बात नहीं बेटा, हम चेक कर लेंगे। चलिए जल्दी से अगर भाभी का भर के देख लेते हैं तो शायद हो भी जाए, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं भाभी का, एक बार करके देखें जरा क्या है। भाभी का सेड द गर्ल्स इन द पिक्चर इज माई मदर हस्बैंड फादर, ठीक है। जो गर्ल है, ठीक है, जो गर्ल है आपके पास, क्या बोला है आपके पास, द गर्ल इन द पिक्चर इज माई फादर हस्बैंड, ठीक है, माई फादर, भाभी का बोल रही है, फिर मेरे हस्बैंड का, आपके पास फादर की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ये हुई, ठीक है। इस तरीके से भाभी का, बिल्कुल जी भाभी का से ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, भाभी का से ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो भाभी का अगर मैं यहाँ पे भर दूँ, ठीक है, भाभी का सेट, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल जी। अनिल सर कहाँ है, अनिल सर भी यही है बेटा, आप लोग डिमांड करेंगे तभी अनिल सर आपके पास आएंगे। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ इज भाभी का रिलेटेड टू गर्ल। तो भाभी का जो है इस गर्ल की क्या लगती है, भाभी का जो है इस गर्ल की क्या लगती है। बिल्कुल जी सभी का आंसर सही आ रहा है सिस्टर इन लो, बिल्कुल जी सभी का आंसर सही आ रहा है सिस्टर इन लो, जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर किया है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से लिया गया है। बेटा हमारा तो एम है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना पूरा का पूरा करवाएं। 15 में कंफ्यूजन, 15 का ये सी एन फ्यू कंफ्यूज है। चलिए कोई नहीं बेटा, चेक कर लेते हैं क्या है। 15 का साउथ, बच्चों के तो आंसर आ गए बेटा। देखो क्या है, मीरा राइड्स अ बाइक एंड रीच हिज शॉप डेली, हर रोज वो बाइक से जाती है। देन क्या है, फर्स्ट शी गोज 3 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड नॉर्थ, मतलब वो अपने हाउस से स्ट्रेट जाती है नॉर्थ, और कितना 3 किलोमीटर है ना। देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड गोज 1 किलोमीटर, जब भी लेफ्ट लेगी इस तरफ आएगी और 1 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर टेकिंग राइट, ठीक है, आफ्टर टेकिंग राइट 2 किलोमीटर, यहां से राइट लेगी और कितना 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। राइट अगेन, ठीक है, राइट अगेन आफ्टर गोइंग दी अनदर 1 किलोमीटर एंड रीच हर शॉप, यहां से फिर से वो राइट लेती है और शॉप के ऊपर पहुंचती है और डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, है ना। पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन मीराज होम, कि मीरा का होम विद रिलेटेड टू हर शॉप, कि ऊपर से खड़े होके जब भी आप लोग नीचे की तरफ देखोगे, ऊपर से जब भी नीचे की तरफ आप लोग खड़े होकर देखोगे तो आंसर क्या रहेगा, साउथ, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। अभी सेंटर मेंशन नहीं हुए हैं, 72 आर, बिल्कुल जी।
बिल्कुल जी, बच्चे यहाँ पे आपस में कॉन्वर्सेशन करके बता भी रहे हैं कि 72 घंटे पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। चलिए चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें आप लोग, क्या रहेगा? चिराग पूछ रहे हैं चंडीगढ़ में सर्दी ज्यादा है। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पर भी बेटा, ऐसा है। बिल्कुल जी, सर्दी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर बताएं। हरदीप सिंह जी बोल रहे हैं सर टेलीग्राम पे ज्ञानम चंडीगढ़ नहीं मिला। बेटा ऐसा तो नहीं है, ज्ञानम चंडीगढ़ सर्च करिए, स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं ज्ञानम की स्पेलिंग है। यहां पे स्पेलिंग आप लोग गलत लिख रहे हैं, ज्ञानम की स्पेलिंग है GYANM, NAM नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं GYANM, ये ज्ञानम के स्पेलिंग है। बेटा स्पेलिंग गलत है आपके, इस वजह से नहीं मिला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहा वॉक 2 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस स्ट्रेट टूवर्ड साउथ, है ना? यहाँ पे नेहा खड़ी थी, साउथ की तरफ गई, और कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। ठीक है, एंड रीच द टेम्पल फ्रॉम टेक ही टर्न लेफ्ट, और कितना डिस्टेंस? 4 किलोमीटर। ठीक है, देन शी टेक राइट एंड टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर एंड रीच हर होम। यहां से उसने राइट लिया 2 किलोमीटर का और अपने होम के ऊपर पहुंच गई। अब पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन नेहा होम रिलेटेड टू विद रिस्पेक्ट टू हर स्कूल। स्कूल से यहां से चली थी, जब भी स्कूल से आप लोग देखेंगे, जब भी आप लोग स्कूल से यहाँ के नीचे की तरफ देखोगे, ऊपर क्या रहेगा? साउथ, और इस तरफ रहेगा ईस्ट। जिन भी स्टूडेंट का आंसर ए ऑप्शन साउथ ईस्ट था, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए मेरे को। और बच्चे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लिंक को शेयर जरूर करें। क्यों? क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम है, ताकि वो भी इस सेशन का फायदा उठा पाए। चलिए चलिए जल्दी से, बिल्कुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैकेट क्या बोल रहे हैं बेटा आप? चलिए चलिए बेटा जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर करिए, आपके कमेंट में यहां पे देख रहा हूं। चलिए जी बिल्कुल सही, एक का आंसर गुरमोत जो सॉरी नोट गुरमन ज्योत, गुरमन ज्योत का आंसर 78, बिल्कुल सही। गुरमन ज्योत का आंसर बिल्कुल सही आया है 78। हाँ जी, देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है 84। अभी तक आपको पता भी चल चुका होगा 4, 3, 18 और 3, जहां पे इन सिंबल के मीनिंग आपको बीच में दिए गए हैं। तो सबसे पहले कॉपीराइट की बात करते हैं, कॉपीराइट का मीनिंग उसने दे रखा है डिवाइड, है ना? अगला है आपके पास हैश, हैश की अगर मैं बात करूं तो क्या है? मल्टीप्लाई। आगे अगर बात करी जाए डॉलर की, तो डॉलर का मीनिंग है एडिशन, और आगे अगर बात करी जाए एट द रेट का मीनिंग है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोर्ड मास आप लोगों ने यहां पे लगाना था। चलिए सर इसको भी निकाल लो चिराग को। बेटा ये हम नहीं कर सकते। चलिए अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो क्या है, बोर्ड मास लगाते हो, बोर्ड मास तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों को। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 21। आगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो कितना आता आपके पास? 3 एंड 6, 63। फिर इन दोनों को ऐड करना था, और बाद में इसको आपके पास जो भी रिजल्ट रहता उससे से सब्ट्रैक्ट करते, तो आंसर आ जाता 78, जो कि बिल्कुल सही एक आंसर आया था। चलिए बिल्कुल जी, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। चिराग जी, आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से जैकेट खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आपको सेक्टर 19 से अच्छे लगे, चाहे शास्त्री मार्केट से, बिल्कुल आप वहां से ले लीजिएगा। बट मैं चाहूंगा कि बेटा ऐसी बातें यहाँ पे ना करी जाए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हैं, ना कि जैकेट खरीदने के लिए। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कमेंट ना करें बेटा, पढ़ने आए हैं तो पढ़ें यहाँ पे। चलिए बिल्कुल जी बिल्कुल, चलिए चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल जी यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, गुरमन ज्योत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ जी गुरमन जी, आप आंसर निकालिए, मेरे को आपके आंसर का बड़ा इंतजार है। चलिए चलिए जल्दी से, व्हाट
विल बी दी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज द गिवन. आपको यहाँ पे चेंजेस करने के लिए बोला है कि आपके पास इक्वेशन है 36 मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे उसने क्या कहा, मल्टीप्लाई की जगह कर दो प्लस, ठीक है, और प्लस की जगह उसने कहा क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, उसने ये कहा, उसने कहा कि यहां पे सिंबल को कर दो चेंज, ठीक है. अच्छा बीच में और भी चेंजेस करने के लिए बोले हैं, सॉरी, उसने कहा 36 यहां पे ये कहा कि मल्टीप्लाई को चेंज कर दो प्लस से एंड 8 को चेंज कर दो 2 से, तो जो 36 था 36 मल्टीप्लाई की जगह आ गया आपके पास 2, प्लस करके 2 की जगह आ जाएगा 8, और जहां प्लस था वहां मल्टीप्लाई लगा दिया और जहां 8 था वहां लगा दिया 2, क्योंकि उसने आपके पास यहां पे लिख रखा है जो उसे चेंज करके. तो अब जैसे ही आप लोग इस चीज को ऐड करोगे आपके पास कितना बन जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 88. जिन भी स्टूडेंट का आंसर 88 था बिल्कुल सही था, जिन भी स्टूडेंट का आंसर 88 था बिल्कुल सही था. चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. आपको यहां पे आंसर निकालने हैं बेटा, बड़े सिंपल क्वेश्चन है आपके पास. चलिए चलिए जल्दी से 19 का 20 डी ऑप्शन. चलिए 3 out of 4 वर्ड गिवन इन द ऑप्शन आर सिमिलर इन सर्टेन वे एंड 1 इज द डिफरेंट, सिलेक्ट ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. ठीक है, तो बताएं मोमेंट टाइम पीस वॉच एंड क्लॉक. बिल्कुल जी, अगर मैं बात करूं तो आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन मोमेंट. अगर बात करूं टाइम पीस वॉच एंड क्लॉक आर दिस सिमिलर थिंग, कहीं ना कहीं टाइम से रिलेट करते हैं, पर मोमेंट इज एन अ डिफरेंट थिंग. चलिए 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 जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें. चलिए चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करें आप लोग. क्वेश्चन नंबर 20th का, 20th का आंसर क्या आएगा, मैं आंसर देख रहा हूं. 20th का आंसर भी यहां पे आना स्टार्ट हो चुका है. 20th का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. कुछ एक स्टूडेंट का देख लेते हैं. 3 out of 4 वर्ड आर गिवन इन द ऑप्शन सिमिलर इन द सर्टेन वे, 1 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ठीक है, एक डिफरेंट निकालना है. रेन गेज, थर्मोमीटर, एमीमीटर. अगर मैं बात करूं ये तीनों के तीनों क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पर ये प्रिसेप्शन कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है. साइंस के रेन गेज आपके पास, थर्मोमीटर, एमीमीटर आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पर डी ऑप्शन कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर डी ऑप्शन था बिल्कुल सही यहां पे आया था. चलिए वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट आपके पास वेन डायग्राम में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अभी तक का जो स्टूडेंट का एक रिव्यू रहा है उसमें ये आया कि वेन डायग्राम में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी लेके आपके पास जरूर आया हूँ. चलिए जल्दी से यहाँ पे आंसर बताएं. 21st का आंसर क्या रहेगा, फिर 21st का आंसर मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ आपका क्या रहेगा. हाँ जी, ट्रायंगल रिप्रेजेंट सिंगर, यहाँ पे इसका मीनिंग है सिंगर, ठीक है, एंड सर्कल रिप्रेजेंट जोगर, यहाँ पे जोगर, ठीक है, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर है ना. अब आपसे पूछा क्या गया, सर वेन डायग्राम के पूरा लेक्चर बना दो प्लीज. बेटा हमने ऑलरेडी ये करवाए भी हैं पहले मैंने आपको ये करवाया, अल्फाबेट सीरीज में मैंने पूरा वेन डायग्राम करवाया है, पर फिर भी कोशिश करूंगा. अगर आप बोल रहे हैं बिल्कुल जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया 18 18 18. अब क्वेश्चन में था क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉक्टर हु आर नीदर जोगर नॉर सिंगर. हमें ऐसे यहां पे डॉक्टर निकालने थे ना तो वो जोगर हो और ना ही वो सिंगर हो. देखो ये पूरा का पूरा जोगर का रिलेशन है और ये पूरा का पूरा सिंगर, पर 18 ऐसे हैं जो ना तो जोगर में आते हैं और ना ही सिंगर में आते हैं, वही यहाँ पे आपका आंसर बनेगा जो कि बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा. डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, सर्जन, वेन डायग्राम के ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं, तो जितना हो सकता है मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ. 22nd का आंसर बताइए क्या रहेगा, 22nd का आंसर बताइए फिर यहां पे क्या रहेगा बेटा. 22nd का ए ऑप्शन तो नहीं आएगा बेटा,
गर्मन ज्योत जी ए ऑप्शन नहीं आएगा, विवेक यादव जी सी ऑप्शन। देखो डॉक्टर की बात करी है, हार्ट स्पेशलिस्ट की बात करी है और सर्जन की बात करी है। मान लो ये सारे के सारे डॉक्टर हैं और ये सारे के सारे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और ये सारे के सारे हैं सर्जन, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर क्या है, हार्ट सर्जन या आपके पास सर्जन उस पर है। कुछ डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट और सर्जन जरूर हो सकते हैं। सिमिलरली कुछ हार्ट सर्जन जो है, डॉक्टर तो आपके पास पूरे ही होंगे, ठीक है। हार्ट सर्जन जो है कुछ आपके पास जो यहां पे मिक्स काम करते हैं, तो इस वजह से इसका आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पे दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर, मेरे को भी डाउट है, इसका आंसर ये तो नहीं जाएगा, इसका आंसर बी तो कभी बन नहीं सकते, बी तो बन नहीं सकता। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर बी तो कभी बन नहीं पाएगा, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, डॉक्टर। ये सारा का सारा क्या आ गया, डॉक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्कुल जी बी ही आएगा। यहाँ पे ये हार्ट स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं और यहाँ पे सर्जन की बात कर लेते हैं, ये क्या है, सर्जन, ठीक है। देखो अब पूरे के पूरे अगर मैं बात करूं, आपके पास डॉक्टर बड़े इसमें आ गए, हार्ट सर्जन भी क्या है, डॉक्टर है, और सर्जन भी क्या है, डॉक्टर। अगर कुछ हार्ट सर्जन क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, कुछ सर्जन क्या होंगे आपके पास, हार्ट सर्जन होंगे। बिल्कुल जी, जिन स्टूडेंट का आंसर 22 का सी ऑप्शन है, बिल्कुल वही है, सी ऑप्शन ही यहाँ पे रहेगा, जो कि बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर, हेलो सर, सी ऑप्शन, बिल्कुल जी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, क्या रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो बेटा गलती से बोल दिया था मोहित कालरा जी, गलती हो जाती है तो गलती हमने सुधार दी साथ के साथ में। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, 23rd का। विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड ओनली एज मेनी टाइम्स एज ईच लेटर अपियर इन द वर्ड, ठीक है। 23rd का आंसर बताएं, 23rd का आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल जी, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, नेवर, आंसर आना यहां पे स्टार्ट हो चुका है, नेवर। यहां पे आंसर जो है बिल्कुल सही यहां पे आ रहा है। फर्स्ट क्यों कटा, क्योंकि यहां पे एस एक्स्ट्रा था। अगर सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं, यहां पे ए एक्स्ट्रा था, और लास्ट डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास आई एक्स्ट्रा है ना, आई एक्स्ट्रा है, तो ठीक, आपका आंसर सभी का सही है। 24 के ऊपर जल्दी से आए बेटा। बिल्कुल जी, इस अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं, अल्फाबेट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका भी पूरा का पूरा वीडियो बना के हम लोगों ने इंटरनेट के ऊपर डाल रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है, इन द सेट ऑफ लेटर्स सिंबल एंड नंबर आर गिवन बिलो, हाउ मेनी जब भी वर्ड आता है टाइम्स डॉलर, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डॉलर कम्स इमीडिएटली बिफोर एट द रेट, ठीक है, बिफोर एट द रेट, ठीक है, एंड आफ्टर हैश, ठीक है। इन द केस ऑफ लेटर सिंबल एंड नंबर आर गिवन बिलो, हाउ मेनी टाइम्स डज डॉलर कम्स इमीडिएटली बिफोर एट द रेट, बट नोर यहां पे लिखा गया है, नोर वर्ड को नहीं भूलेंगे, मतलब यहां पे सीरीज जो बनेगी डॉलर एट द रेट आना चाहिए, पर उससे पहले हैश नहीं आना चाहिए, उससे पहले हैश नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। तो यहां पे एक बार चेक भी कर लेते हैं, डॉलर एट द रेट बनना चाहिए सीरीज में, तो यहां से सीरीज आपके पास गिवन है, मैं डॉलर के ऊपर चलता हूं, देखो डॉलर के बाद एट द रेट है तो नहीं, यहां पे डॉलर के बाद एट द रेट, एक तो ये बन जाएगा सबसे पहले, दूसरा आपके पास ये बन सकता था पर हैश नहीं आना चाहिए था, तो दूसरा ये बनेगा और तीसरा आपके पास ये बनेगा, ठीक है। सो आंसर इज सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पे बन रहा है। 25 का भी आंसर यहां पे ए ऑप्शन बच्चों का आना स्टार्ट हो चुका है, हाँ जी, 25 का भी आंसर ए ऑप्शन जो कि बच्चों का आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या लॉजिक था, आपके पास नंबर था 6 माइनस 3, अगर इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3,
अब अपने एंड से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 15 को निकाला गया था, जो कि आप देख रहे हैं आगे था 6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10 के साथ तो अभी आएगा ना 20, ये देखो। और लास्ट में आपके पास 7 - 5 अगर मैं बात करूं इज इक्वल टू कितना आएगा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको कितने से करना पड़ेगा फिर 15 से, तभी आपके पास यहाँ पे आएगा 30। ठीक है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, होप सो सभी को यहाँ पे इतनी बात क्लियर हुई हो। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अब आपके पास क्लोक के क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं, क्लोक के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो क्लोक के बारे में भी आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। चलिए जल्दी से अगर मैं बात करूं 26, 27, 28 क्लोक के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार ये बोला जा रहा है कि आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्लोक के, तो मैं क्लोक के क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूं। अगर पूरा का पूरा लेक्चर आपको क्लोक का देखना है तो यूट्यूब के ऊपर वो हमने पूरा डाल रखा है बेटा, आप वहां से उसे देख पाएंगे। ठीक है, मैंने पूरा क्लोक का एक्सप्लेनेशन आपको कर रखा है। बिल्कुल जी, वेन डायग्राम भी आपको, वेन डायग्राम आपको मिल जाएगा, ये है अल्फाबेट सीरीज में मैंने आपको मिक्स करवाया, नहीं होगा तो कल मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, 26 का ए, अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में था, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में था ये पेपर। ठीक है, बिल्कुल जी, 26 का ए यहां बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या था, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 द हैंड ऑफ क्लॉक आर कोइंसाइड। देखो क्लास, मैं पूरा फॉर्मूला कभी नहीं लगाता, मैं छोटी सी की बताता हूं। जब भी ये कोइंसाइड का केस आएगा ना, तो आप इस बात को याद रखिएगा 60/11, इसकी को याद रखिएगा 60/11 को, जब भी कोइंसाइड का केस आएगा, कोइंसाइड का केस आएगा तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम होगा उसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना, जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम होगा उसके साथ उसे मल्टीप्लाई कर देना, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 180 को 11 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आप इसे यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे कितना बचेगा आपके पास, सबसे पहले किस पे जाएगा 1 पे, तो कितना आया आपके पास 11, बचा कितना 7, आगे 6, आगे आपके पास 66 और 4, तो बचेगा क्या आपके पास 16/4/11, मतलब कि 3:16:4 के ऊपर नीडल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना। तो मैं एक शॉर्टकट की से इन क्वेश्चन को कराता हूं, पूरा मैं कभी नहीं कराता, बाकी आप इस चीज को और कंफर्म करने के लिए मेरे यूट्यूब में चैनल में मैंने पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दिखाए हैं, वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 द हैंड ऑफ क्लॉक आर कोइंसाइड। अब मैंने इसका भी आपको सेम एक एग्जांपल कराया है कोइंसाइड का, हाँ जी, तो यहां पे आंसर फिर से वही रहेगा, कोइंसाइड का केस है तो 60/11 × 4। ठीक है, तो क्या आएगा 240/11। ठीक है, तो 2 के पे जाएगा सबसे पहले, ठीक है, तो यहां पे 22, ठीक है, बचा कितना 20। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर से आपने से 1 पे काटा तो 11 बचा 9, तो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन जो था यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ये नहीं आता, यहां पे ऑप्शन जो आता फिर कुछ इस तरीके से आता 21, ठीक है, यहां पर 9/11, यहां पे मिस्टेक हुई है, 9/11 आना है यहां पे 21, 9/11, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा और कुछ नहीं है। ठीक है, आंसर जो है इसका ये ऑप्शन आएगा 21 9/11। ठीक है, 21 9/11, बिल्कुल जी सर, ऑप्शन नहीं आया 27 का, बेटा मैंने ये लिख दिया यहाँ पे ना, टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी तो इस वजह से आंसर आएगा 21 9/11, बिल्कुल जी 21 9/11, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन गलत, बिल्कुल मैंने सही कर दिया है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा, हाँ जी, तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 द हैंड ऑफ क्लॉक आर अपोजिट डायरेक्शन की बात करी गई है। अब आपके पास ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, अपोजिट मतलब कुछ इस तरीके से,
इस तरीके से आपके पास यहाँ पे नीडल जो है बनेगी। सर क्लॉक का लेक्चर फुल है या हाफ है? बेटा दो पार्ट में है, पहले फर्स्ट हाफ में कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और सेकंड हाफ में भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ठीक है। दो हाफ में या तीन हाफ में हमने पूरा का पूरा कैलेंडर क्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको मेरी प्रायोरिटी है कि जितना जल्दी हो सके आपको करवाऊं, ठीक है। चलिए 540, चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितना रहेगा। चलिए देखो, तो मैं इसे फिर से पूरा नहीं करवा रहा, मैं इसे फिर से शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूँ। तो इससे मैं शॉर्टकट तरीका होता है 60/11, ये मेरी शॉर्टकट की हर जगह काम करेगी, जो मर्जी क्वेश्चन आपके पास पूछा जाए। देखो जब भी ना ये अपोजिट की बात आती है तो इसमें कुछ छोटा सा ट्रिक होता है कि यहाँ पे ना बेस वैल्यू मानते हैं हम लोग 6 को, बेस वैल्यू को मानते हैं, बेस वैल्यू हम लोग जो मानते हैं वो मानते हैं 6 को बेस वैल्यू हम लोग यहाँ पे मानते हैं। तो 6 से ना जो भी फर्स्ट टाइम होगा, जैसे यहाँ पे 3 होगा तो 3 तक काउंट करना है। मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, जब भी ये अपोजिट का केस आता है, जब भी ये अपोजिट का केस आपके पास आता है तो अपोजिट में आपको कुछ नहीं करना है, अपोजिट में बेस वैल्यू को मानेंगे 6 से जो भी फर्स्ट टाइम होगा, जैसे 3 है तो 3 बजे तक काउंट करना है। कैसे? 6 को बेस वैल्यू मानना, तो काउंट करने का तरीका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार फिर इस चीज को समझ लीजिए, मैं इसे कैसे काउंट कर रहा हूं। 6 को बेस वैल्यू मान के 6 से काउंट करेंगे। मेरे को लगता है विजिबिलिटी यहां पे दिख नहीं रही है तो मैं इसे यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो मैं यहां पे, अब मेरे को लगता है विजिबिलिटी आपको हो चुकी होगी क्योंकि यहां पे तो मैंने कलर चेंज कर लिया है, तो मैंने कलर चेंज करने के बाद दिख रहा है, होप सो कि मैंने घड़ी साइड में बनाई है, ठीक है। बिल्कुल जी, अब दिख रहा है मेरे को लगता है। तो काउंटिंग कैसे करनी वो देख लो, काउंटिंग में कैसे था, 6 को बेस वैल्यू मानना था तो 6 से काउंट करना था, तो 7 को 1 मानोगे, मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 3 बजे तक तो इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू 9 से मल्टीप्लाई आप लोग यहां पे कर दीजिए, ठीक है। तो इंटू ऑफ 9 कर देंगे तो 9, 6, 5, 40 बाई 11। किसी एक स्टूडेंट ने 540/11 बिल्कुल सही करके विवेक यादव ने भेजा था, जो कि बिल्कुल सही था। अगर 540/11 को अगर सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 49/1/11, ठीक है। अगर 540 को सोल्व करके आप लोग चेक करोगे तो आंसर आएगा 49/1/11, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इस पूरा का पूरा लेक्चर को हमने 2 या 3 पार्ट में आपके पास डिवाइड करके इंटरनेट पे डाल रखा है, बाकी सारी की सारी चीज आप लोग वहां से कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल जी, कुमार विशाल का आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। चलिए अगर मैं बात करूं तो आज के इस लेक्चर को फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट, बाकी कल से मेरी फिर से एक प्रायोरिटी रहेगी कि 12 बजे आपके लिए मैं कंप्यूटर लेके आऊंगा और 2 बजे कल फिर से आपके लिए मैं रीजनिंग लेके आऊंगा, जिसमें जो क्वेश्चन मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। सर कैलेंडर का भी, मोहित कालरा जी, मैंने पूरा कैलेंडर का भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट डाल रखा है, आप अगर इंटरनेट पे चेक करेंगे, ज्ञानम आप लोग लिखेंगे, ज्ञानम अगर आपको सिंपली इतना चेक लिखना है, ज्ञानम, ठीक है, ज्ञानम का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, बस बाकी सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। ज्ञानम का यूट्यूब चैनल बेटा, उसमें कैलेंडर भी करवाया गया है, क्लोक भी करवाया गया है, सारे टॉपिक मैंने एसएससी और पीएसपीसीएल जिस मर्जी एग्जाम की आप तैयारी वहां पे करें, मेरे नाम से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, आशीष मेहरा लिखा हुआ है, आशीष मेहरा लिखा हुआ आएगा, आप इस नाम से भी सर्च करके वहां पे कर सकते हैं, कैलेंडर क्लोक, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल जी, सारी वहां पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, कल फिर से हम मिलेंगे, कल पहले 12 बजे मिलेंगे, 12 बजे मैं कल आपको पहले करवाऊंगा कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद 2 बजे आपके लिए मैं लेके आऊंगा रीजनिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं जिन स्टूडेंट के पेपर हो रहे हैं बड़े अच्छे हों, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिन स्टूडेंट के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनके अभी होने हैं वो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहें, और जिनके हो जाते हैं एग्जाम वो हमें जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और कैसा जा रहा है, ताकि मैंने हम यहीं पे यह समझ पाए, ठीक है। ओके जी क्लास, थैंक यू, बने रहें हमारे साथ, बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।